यमुनानगर में इशिका नाम की विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इशिका को जहर देकर मारा गया है। फिलहाल पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें यमुनानगर जिले में 24 साल की महिला इशिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इशिका कैथल जिले की रहने वाली थी और 3 साल पहले उसकी शादी यमुनानगर जिले के जागधोली गांव में विशाल नाम के युवक से हुई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई। मृतक इशिका के परिजनों का कहना है विशाल दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित किया करता था। वह पहले भी 1.5 लाख रुपए ले चुका था, लेकिन दोबारा से पैसे की डिमांड कर रहा था। हालांकि आपसी तालमेल सही न होने की वजह से इशिका अपने घर चली गई थी और विशाल उसे मना कर दोबारा अपने घर ले आया था। इशिका के पिता विनोद कुमार का कहना है कल ही इशिका से वीडियो कॉलिंग पर बात हुई थी, लेकिन यह बात करने की हालत में नहीं थी। तभी उन्हें संदेह हो गया कि परिवार में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। फिलहाल परिवार न्याय की मांग करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है आज आपकी बहन के साथ, क्या मामला हुआ? सर हत्या करी गई है इसकी जी। किस तरीके से, क्या बात हुई थी, किस चीज को लेकर? सर मतलब कि वो दहेज मांगता था जी। दहेज में पापा चाय का काम करते हैं जी, गांव से लेके आए। गड्डी का एक्सीडेंट हो गया था जी 12 मई 2023 को जी। उसके बाद से बोलने लगा भी गड्डी मतलब कि गड्डी की भरपाई तुम्हें तेरे बाप से ही करवाऊंगा या तुम्हारे घर वाले से करवाऊंगा भी। 1 लाख रुपए मेरे से भी ले गए जी, 1 लाख रुपए मेरे से ले गए जी। क्या नाम था आपकी बहन का और कहाँ शादी हुई? इसी का नाम था जी, जागदोली शादी हुई थी जी। तो अब आपकी बहन ने कोई पॉइजन खाया है या किस तरीके से, क्या सर क्या लग रहा है? यहाँ पे निशान भी है जी उसके, पोस्टमार्टम में पता चलेगा जी। जी तो मतलब कि आपका आरोप है कि हत्या की गई? हत्या की गई है जी, या फिर उसने प्रेशर में को कुछ खाई है जी। दो नाम है अंकल जी आपका? विनोद कुमार। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, क्या मामला? बेटी के साथ तो मार पिटाई हुई पहले तो जी, कई बार हो चुकी है, गहने गुणे बेच चुके हैं सारे। और इसको 6 महीने से तो बिल्कुल टॉर्चर कर रहा था भाई, घर से पैसे ले गया एक दो रुपए दिए सर, 1 लाख इसे बेटे से भी ले गया, भाई की घरवाली से भी पैसे ले गया, चाची से भी ले गया। तो क्या दहेज के लिए प्रताड़ित किया? दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे जी। आप क्या काम करते हैं? मैं चाय की रेड़ी लगाता हूँ सर। काफी समय से तंग करता था काफी टाइम से परेशान कर रहे थे जी। 1.5 साल से लगभग परेशानी हो रही थी। मैं गरीब आदमी कहाँ से जाऊँ पैसे जी, आपस में शायद सुलझ जाए, क्या पता था ऐसी नौ बतावेगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम कार्रवाई के इंसाफ मिले इस बच्चे को, ऐसा हो दो आदमी को भी ये पता लगना चाहिए भाई, दहेज की दहेज लेने के बाद ऐसा होता है, इसके पास ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरों को भी पता लगे। गरीब आदमी की बेटी कहाँ जाएगी? 4 लोगों का नाम लिया सर, पिताजी है, उसकी माता है, उसका भाई है बड़ा, और वो खुद गरीब की बेटी तो मारे देंगे जी। गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए बात सर। अभी तक गिरफ्तार नहीं हो लिया जी कोई सर। रोहन उषा राजेश 4 नाम है जी, इन्होंने चारों मिलकर गया जी काम, इनका एक ही बात दोनों चारों गाड़ी मांग के लेके गया था। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, गुड़िया से कह रहा था इस गाड़ी के पैसे अपने पिताजी से रिकवर करवाओ तब जाके बात बनेगी। गुड़िया एक दो बार थोड़े थोड़े पैसे लेके भी आई है, उसके बाद ज़्यादा मांगने लग गया, मारपीट होने लगी, तब ये नौबत आ गई। 15 दिन घर भी बिठाई है लड़की, फिर 15-16 दिन के बाद आ गया था, बोले मैं अभी लेके जाऊँगा, रात को फिर लेके गया 6:30 बजे 7 बजे। लेने के बाद घर चला गया, वहाँ से फिर रिपोर्ट आई है 11-12-1 बजे, वो कह रहे हैं आपकी लड़की मर चुकी है। राजेंद्र जी क्या मामला हुआ है? ये एक लड़की है इशिका, और इसकी 3 साल के पहले शादी हुई थी जागदोली गांव में विशाल नाम के लड़के के साथ। तो ये तब से ही मतलब 1-1.5 साल तक तो ये ठीक रही, ये ठीक रखा इसको, उसके बाद इसको परेशान करना शुरू कर दिया है। और फिर ये बेचारी बहुत परेशान थी और इसको इतना टॉर्चर किया कि भी इसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो क्या किस तरीके से आत्महत्या करी है, क्या पॉइजन खाया है? इनके घर वाले ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने इतनी परेशान होगी कि भी इन्होंने कोई जहरीली पदार्थ खा ली लड़की ने, उसकी वजह से इसकी डेथ। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, कौन कौन लोग? ये एक तो इसका पति है विशाल, और एक इसका ससुर है राजेश, और एक इसकी सास है उषा, और एक इसका जेठ है जनक। तो क्या वो क्या आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? आगामी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देखते हैं।